हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद मैं कोई नेचर से जुड़ा हुआ व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो लगातार बारिश हो रही है फ्रेंड्स, देखो ऐसे हुआ है, सब वेट वेट हुआ है। और अगर आप वहाँ देख सकते हो तो इधर से वाटरफॉल जैसे अर्थ में से पानी निकल रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश होने से अर्थ में इतना पानी ऊपर तक आ जाता है तो कहीं से निकलना शुरू हो जाता है। बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर जा। और ये मेरे हस्बैंड ने कट किया है सिनेमन ट्रीज। एक्चुअली मुझे भी आज ही पता चला कि ये सिनेमन का ट्री है, दालचीनी का। इतना बड़ा ट्री था, उन्होंने आज कुछ ब्रांचेस कट की हैं उसकी। तो नहीं तो ये देखिए, उसकी ब्रांच, इसकी छाल उतार के, छिलका उतार के, इसका उसको ड्राई करके हम सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इसको हर तरह की स्पाइस में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी के मसाले में या चाय के मसाले में। इवन फॉरेन में, अब्रॉड में तो इसकी बहुत ही डिमांड है। ये इस तरह के पत्ते होते हैं, इसके पत्तों, ऐसे हरे पत्तों को भी चाय वगैरह में डाल सकते हैं। तो केक में बहुत ही पड़ता है, और इसको वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है, इसके पाउडर को। ये इसके सीड्स हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा ट्री है, मुझे बहुत ही खुशी हुई, आज ही मुझे पता चला है इसका। छोटा सा ब्लॉग था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छा बनाऊंगी। तो राइट साइड फ्रेंड्स, मेरे घर की छोटी सी झलक आपको दिखाती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।